आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया, एक घंटे बाद गोद में लेकर 160 किलोमीटर पैदल चली महिला मजदूर। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। सरकारी प्रयासों के बावजूद दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। मजदूरों की कहानी सुन रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की बिजासन सीमा पर नवजात बच्चे के साथ पहुंची महिला मजदूर की कहानी रूह कंपा देने वाली है। बच्चे के जन्म के एक घंटे बाद ही उसे गोद में लेकर महिला 160 किलोमीटर तक पैदल चल बिजासन सीमा पर पहुंची। शकुंतला नामक यह महिला अपने पति के साथ नासिक में रहती थी। गर्भावस्था के 9वें महीने में वे अपने पति के साथ नासिक से सतना के लिए पैदल निकली। नासिक से सतना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। बिजासन सीमा से 160 किलोमीटर पहले उसने 5 मई को सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म दिया। शनिवार को शकुंतला बिजासन सीमा पर पहुंची। उसके गोद में नवजात बच्चे को देख चेक पोस्ट की इंचार्ज कविता कनेश उसके पास जांच के लिए पहुंची। उन्हें लगा कि महिला को मदद की जरूरत है। उसके बाद उससे बात की तो कहने को कुछ शब्द नहीं थे। महिला ने 70 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर बच्चे को जन्म दिया था। इसमें 4 महिला साथियों ने मदद की थी। शकुंतला की बातों को सुनकर पुलिस टीम अवाक रह गई। महिला ने बताया कि वह बच्चे को जन्म देने तक 70 किलोमीटर पैदल चली थी। जन्म के बाद 1 घंटे सड़क किनारे ही रुकी और पैदल चलने लगी। बच्चे के जन्म के बाद वह बिजासन सीमा तक पहुंचने के लिए 160 किलोमीटर पैदल चली। शकुंतला के पति राकेश कौल ने कहा कि यात्रा बेहद कठिन थी, लेकिन रास्ते में हमें दयालुता भी दिखी। एक सिख परिवार ने धुले में नवजात बच्चे के लिए कपड़े और आवश्यक सामान दिए। राकेश कौल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से नासिक में उद्योग धंधे बंद हैं, इसी वजह से नौकरी चली गई। राकेश ने बताया कि सतना जिले स्थित उचाहरा गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाने के सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमें बस घर जाना था, क्योंकि वहां अपने लोग हैं, वे हमारी मदद करेंगे। राकेश ने बताया कि हम जैसे ही पिंपल गांव पहुंचे, पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बिजासन सीमा पर तैनात पुलिस अधिकारी कविता कनेश ने कहा कि समूह में आए इन मजदूरों को यहां खाना दिया गया। नंगे पैर में आ रहे बच्चों को जूते भी दिए गए। उसके बाद प्रशासन ने वहां से उसे घर भेजने की व्यवस्था की।